स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आपातकालीन राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ है। आज सारे देश की आंखें भारत के नए प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा कठिन परिस्थितियों में बने प्रधानमंत्री देश को इस संकट से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं। आज पांचवें दिन भी सीमा पर घमासान युद्ध जारी है। पश्चिमी सेक्टर के एक और क्षेत्र पे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। मृतक और घायल सैनिकों की संख्या का सही अनुमान नहीं मिल पा रहा, पर खबर मिली है कि 100 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। रुकिए रुकिए मैडम, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी को मैं पर्सनली जानती हूँ। नहीं मैडम, आप जानती थी तब वो MP थे, अब PM है। नहीं, आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, मैं पर्सनली जानती हूँ। आपका अपॉइंटमेंट है मैडम? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए मुझे। आप प्लीज जाके उन्हें बताइए कि शामली है। सॉरी, जाने दिए। क्या बात है मैडम, जल्दी तैयार हो जाइए वरना लोग कहेंगे नया PM और पहले दिन लिया। क्या हुआ, परेशान क्यों? साड़ी बहुत दिन से पहनी नहीं है, ब्लाउज पहनती चली गई, देखो मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऊपर से एक शॉल डाल, प्रॉब्लम सॉल्व। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, ये जैकेट कैसे लग रहा है? कुछ जम नहीं रहा ना, मुझे लगा। बहुत अच्छा, वैसे आपके तो नए कपड़े बनवाने ही पड़ेंगे। देख। हेलो बेटा अनिरुद्ध जी। कौन? अरे मैं तुम्हारा अवध मामा, वो कानपुर वाला। जब छोटे थे तब देखा था ना, गोद में खिलाया था, अब भूल गए? मुबारक हो। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली आना होगा तो मिलूंगा ही। जी अच्छा, ये लो अपनी मामी से बतियाओ। बेटा अनिरुद्ध, जैसे हमें पता चला हमें इतनी खुशी हुई, रात भर सो नहीं पाए। जी अच्छा। बहू कैसी है? अच्छी है। और बच्चे तो बड़े हो गए होंगे? जी हाँ, बड़े हो गए। मेरे सॉक्स तुम्ही ने छिपा कर रखे हुए हैं, मैं सब जानता हूँ। क्या हुआ? मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। कल मेघा ने कपड़े फोल्ड करके रखे थे ना? इसके सॉक्स थे ही नहीं, इसके सॉक्स। तुम्हारे पास और कोई सॉक्स नहीं है क्या? जो ब्लू वाले सॉक्स पहनने भी नहीं। अरे तुम कोई भी सॉक्स पहन लो, शपथ ग्रहण तो पापा करने वाले हैं, तुम्हें वहाँ कौन देखने वाला है? नए बंगले में जाएंगे तो पूरा कमरा मैं लूंगा, तेरे साथ शेयर नहीं करूंगा। तुम दोनों 5 मिनट में तैयार होंगे। हेलो हेलो अनिरुद्ध स्पीकिंग। कैसा लगता है प्रधानमंत्री बनना? जी कौन? लो, हम ही को भूल गए हुजूर। सविता नाम है मेरा। ओ सविता जी, कैसी हैं आप? मैं तो वैसी हूँ, तुम कैसे हो? बस वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, राष्ट्रपति भवन में मिलते हैं, खुद देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे मिलते हैं। बाय। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, आप कहाँ जा रही हैं? गार्डन जा रही हूँ फूल लेने। ठहरिए, मैं मंगवा देता हूँ। मैं खुद ले लूँगी। एक मिनट, आप साथ जाओ। क्या भी हाँ जॉन, अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के बाद जरा ऑफिस में मिलना, जरूरी काम है। ओके। कौन सा ऑफिस? नया ऑफिस। अरे देंगे क्या? मैं कह दूँ। ओके ओके। अरे हाँ कॉमरेड। हाँ थैंक्स। मिलते हैं। चलो देखो तुम दोनों में से कौन सी शॉल लूँ। जो अच्छी लगी पहन लो। आई एम सो सॉरी। नहीं ठीक है, आई एम सॉरी। इट्स ओके। दिखाओ तो सही। एक मिनट, ये अच्छी नहीं है ये। बहुत ही किसान मुझे तंग कर रहा है। इट्स ऑलराइट। प्रधानमंत्री आगे बढ़ाओ।
मैं अनिरुद्ध प्रकाश सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा जय हिंद। प्रधानमंत्री बनने की रेस में इतने सारे सीनियर और अनुभवी लीडर्स थे, आपका चुनाव कैसे हो गया? पहली बात, प्रधानमंत्री का निवास रेस कोर्स रोड पर जरूर है, पर प्रधानमंत्री का पद कोई रेस नहीं। लेकिन आपकी पार्टी में उसके बाद 4 सीटें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है और वो राजनीति के बारे में नहीं, नीति के बारे में सोचता है। सर, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज नाउ? दुश्मन द्वारा हत्याई जमीन को वापस लेना और दुश्मन को बॉर्डर के उस पार खदेड़ दे। सर, अगर आप इसमें सफल हो भी गए तो सीमा के इस पार के दुश्मनों के बारे में आप क्या करेंगे? पहले एकजुट होकर बाहर के दुश्मन से तो निपट लें। सर, आप कैसे प्रधानमंत्री कहलाना चाहेंगे? राष्ट्रवादी, समाजवादी या प्रगतिवादी? प्रजावादी। सर, आज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध प्रकाश के अलावा जिन जिन लोगों ने शपथ ग्रहण की वो है श्री रविशंकर पांडे गृह मंत्रालय, श्री राघवेंद्र ठाकुर वित्त मंत्रालय, श्री सुब्रतो सेन को विदेश मंत्रालय, जबकि श्री रामजी यादव को मानव संसाधन एवं विकास और श्री राधा किशन सोनकर को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है और दक्षिण के श्री रंगराजन को वाणिज्य और सुश्री सविता गणपति को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिले। रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने पास रखा। अनिरुद्ध प्रसाद, इसका तो नाम भी नहीं सुना, ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया? आखिरकार चंडाल चौकड़ी ने बलि का बकरा ढूंढ ही लिया। अरे ईमानदार होगा क्या भाई? ईमानदार होगा भी तो ये लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे, अगर कुछ अच्छा करना भी चाहे तो उसे करने थोड़ी देंगे ये लोग। अरे कुछ कह नहीं सकते भैया, ये लीजिए पान आपका। देखिए, बाकी सब जो नेता है ना, सब भरा हुआ कागज है, एक यही है जो कोरा कागज है, कुछ भी लिख सकता है। ये प्रधानमंत्री भी कई दूसरों के जैसा ना हो, कुछ कह नहीं सकते, लिखता तो ईमानदार है फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अनिरुद्ध प्रकाश कौन है? अपना नया प्रधानमंत्री। ऐसा आदमी है, मुझे क्या बताया? अरे यार, ये कौन नया प्रधानमंत्री आ गया? बनने दो यार, कौन सा अपना भला करने वाला है? नया आदमी है, बोल नहीं सकते, कुछ भी कर दिखाएगा। हाँ, हो सकता। अच्छा, हो सकता, हो सकता, हो सकता। अनिरुद्ध प्रकाश, उसका नाम हमारी डायरी में क्यों नहीं है? सर, हर ऐरे गहरे को तो हम खरीद नहीं सकते है ना। ऐरा गहरा प्रधानमंत्री बन गया, आप लोग सो रहे थे क्या? सर, उनका नाम तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। हमारी फाइल क्लियर क्यों नहीं हुई? सर, गुप्त जी को समझा तो दिया था और याद भी दिलाया था कि जाने से पहले फाइल क्लियर होनी चाहिए तो। बस सर, गद्दी बजाने की अफरा तफरी में सब रह गया। चाहिए उसकी कीमत क्या है मुझे बताइए। यस सर। डोंट वरी सर, इट्स नेवर टू लेट। पीएम के साथ हमारी मीटिंग फिक्स कर दो। यस सर, मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है। Thank you.
सर, मिस्टर जॉन अब्राहम आपसे मिलने आए हैं। सेंड हिम इन। कैसे हो? कम हैव सीट। कैसा लगता है? डर लगता है, लेकिन जिम्मेदारी ली है तो निभानी पड़ेगी। जॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मजाक कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को एक कंप्यूटर इंजीनियर की क्या मदद चाहिए? तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। अपने जॉब से इस्तीफा दे दो। लेकिन तुम देखो जॉन, क्राइसिस बहुत सारे हैं, सबको संभालना है और समय है नहीं। जी प्रधानमंत्री जी, थैंक्स। आई सी यू टुमारो 9 AM शार्प। साय। सीमा पर दुश्मन की फौजों ने 3 अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध में हुए शहीदों की संख्या 500 तक पहुंच चुकी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से दंगा शुरू होने की खबरें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में दंगे को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। मैं सच जानना चाहता हूँ। सच सर, हालात गंभीर हैं। हमारी फौज का मॉरल डाउन है और कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा। क्यों? क्रुशियल एम्यूनिशन की कमी। सर, हमारे सैनिक फ्रंट पर लड़ रहे हैं बट दे आर हैंडीकैप्ड। क्यों? एक साल पहले हमने आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए फॉर्मली एक नोट भेजा था। यूजर्स ट्रायल में 2 प्रोडक्ट अप्रूव भी कर लिए गए थे, लेकिन हमारे बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? इट्स नॉट फॉर मी टू से, इट्स फॉर यू टू फाइंड आउट सर। डिफेंस सेक्रेटरी प्लीज। मिस्टर माथुर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की फाइल्स का स्टेटस क्या है? आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी, फाइल अभी तक प्रोसेस हो रही है सर। वैसे पूरा प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी इस तरफ खींचा गया था, लेकिन आज शाम तक वो फाइल्स क्लियर हो जानी चाहिए। ये संभव नहीं है सर। कुछ भी असंभव नहीं है मिस्टर माथुर, कोशिश कीजिए। जी सर। कौन है जो सप्लाई कर सकता है इमीडिएटली? 3 कंपनीज हैं सर, मिस्टर शाह, सिसोडिया ब्रदर्स और बलजीत कपूर। तीनों से मेरी मीटिंग करवाइए। जी सर। डिसीजन आज ही लिया जाएगा। यस सर। आर्थिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर है सर। शेयर बाजार और रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। विदेशी निवेशक अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। सर, अगर इस ट्रेंड को रोका नहीं गया तो हमारी अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग सकता है। कैन लीड टू सीरियस क्राइसिस सर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सर, RBI और SEBI जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के कारण हमें भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। उसके लिए भी साधन जुटाने होंगे सर। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? सर, जनता पे कर लगाए जा सकते हैं और उद्योगों से अपील की जा सकती है सर। नहीं, अपील जनता से कीजिए और कर उद्योग पर लगाइए। ठीक है सर। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की घोषणा कीजिए। जनता से विनती कीजिए कि वो अपनी 1 दिन की कमाई देश की सुरक्षा के लिए दे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना पूरा सहयोग देगी। हम लोग अंदर और बाहर एक साथ 2-2 मोर्चों पर लड़ाई नहीं कर सकते। दंगों को रोकना होगा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। मेरा ख्याल है इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। क्यों? प्रधानमंत्री जी, आप छोटी आग बुझाना चाहते हैं कि बड़ी आग? मतलब? इलेक्शन के वक्त दोनों के फायदे अलग अलग हैं। यहाँ हम फायदों की बात नहीं कर रहे हैं पांडे जी, देश में हो रहे जानो माल के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। दंगों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए, प्रभावित क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किया जाए, गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए,
और दंगाइयों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी पार्टी के। यस सर। प्लीज। आप लोग मुझे एक राजनीतिक दुर्घटना समझे या समय की मजबूरी, लेकिन मैं इसे एक ऐतिहासिक मौका मानता हूं। आप लोगों की तरह मेरे पास राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, न कोई बड़ी पार्टी है, न कोई मास बेस, लेकिन जो जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे सौंपी है, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का निश्चय किया है। देश इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अप्रत्याशित प्रगति की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ देश के बिखर जाने का डर। देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं इस राष्ट्रीय सरकार के मंत्रिमंडल से यह अपेक्षा रखता हूं कि हम सब अपने आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर देश को बचाने की, उसे एक नई दिशा देने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। अरे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सविता जी, इस कुर्सी में तुम बहुत जचते हो। बधाई हो अनिरुद्ध। थैंक यू। आज रात कुछ दोस्तों ने एक पार्टी रखी है, तुम्हें चलना होगा। पार्टी? तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अनिरुद्ध। देखिए सविता जी, अनिरुद्ध, वी कैन ऑल्सो एंजॉय ourselves, कांट वी? कुछ नए दोस्तों से मिलना होगा, ये सब बहुत जरूरी है। जब घर में आग लगी हो तो पार्टी में मन कैसे लगे? I mean, बॉर्डर पे हमारे जवान मारे जा रहे हैं। As you wish. जेंटलमैन, आज से पहले जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए। हमें 24 घंटे के अंदर मिसाइल्स और अम्युनिशन चाहिए। आप लोग सप्लाई करवाएंगे? यस सर। यस सर। गुड, तो आप तीनों के कोटेशंस, डिलीवरी शेड्यूल और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमें 2 घंटे के अंदर पहुंचाने चाहिए। सर, अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो। मिस्टर कपूर, वक्त ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू जेंटलमैन। Quotations in 2 hours, please. गुप्त जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या अच्छा नहीं किया शाह साहब? आपने हमारी फाइल क्लियर नहीं करवाई। कैसे कराते हम आपकी फाइल क्लियर? इधर हमारी कुर्सी फिसल रही थी, उधर आप फिसल रहे थे विरोधी खेमे की तरफ। ये वक्त वक्त की बात है। देखिए, हमने आपकी पूरी अमानत सही सलामत आश्रम पहुंचा दी। वाह शाह साहब वाह, तो आज हमारा ये वक्त आ गया कि आप इतनी सी बात का एहसान जताने लगे। मगर ये मत भूलिए, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अब वक्त बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे। कल आपके साथ थे, आगे साथ निभाएंगे आपका। आपने वो कहावत सुनी है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता। देखिए, बिजनेस और पॉलिटिक्स में सब जायज है, सब चलता है। बीते हुए कल पे मिट्टी डालिए, मैं पीएम से मिलने जा रहा हूँ, उनके कानों में हमारी बात डालिए। ये आर्म्स डील अगर हो गया तो जो आपसे तय किया था पूरा मिलेगा। अब उतने में कैसे होगा शाह साहब,
नया पीएम है, नए लोग हैं, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। दुनियादारी कितनी हुई? दुगनी। ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। देखिए, आप घर के आदमी हैं, बात आगे तो बढ़ाइए। ये हुई ना कुछ बात। हाँ पटेल, क्या समाचार? अरे भाई, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जब दंगे होते हैं शहर में तो कुछ लोग तो गिरफ्तार होते ही हैं। अच्छा, अरे नहीं भाई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो गलती से पकड़ लिया होगा उन्हें। उस लड़के को क्या पता कौन लोग हमारे हैं कौन नहीं हैं। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ भाई, मैं अभी बात करता हूँ। पीएमओ चलो। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। अरे नमस्कार नमस्कार। आइए आइए बैठिए बैठिए जी। कहिए कैसे आना हुआ? ये क्या हो रहा है अनिरुद्ध? क्यों क्या हुआ? ये कर क्या रही है आपकी सरकार? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ओ, तो ये समस्या है। देखिए गुप्त जी, जो दंगा करेगा उसे कानून माफ तो नहीं करेगा। देखिए, कानून वानून कुछ नहीं है। ये जो पांडे जी हैं वो बदला ले रहे हैं हमसे। पांडे जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल गिरफ्तारी का ऑर्डर मैंने दिया। तो आपके क्या सारे ऑर्डर्स हमारी पार्टी के विरुद्ध ही होंगे? कोई भी किसी भी पार्टी का हो गुप्त जी, मुझे से कोई मतलब नहीं। मैंने देश सेवा की शपथ ली है, किसी पार्टी सेवा की नहीं। देश सेवा? देखिए, देश के दुश्मन तो हम भी नहीं हैं, और आप भी हमें अपना दुश्मन ना समझें तो बेहतर रहे। सवाल दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है गुप्त जी, सवाल सही या गलत का है। और सही गलत का फैसला कौन करेगा? इन हालात में तो देश का प्रधानमंत्री। और कोई सेवा? जी नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप हैं मिस्टर शाह, काफी सुना है आपके बारे में। आइए सर। मेहरबानी है आपकी, आपने तो हिस्ट्री बना दी, कमाल कर दिया। कमाल तो आप करते हैं मिस्टर शाह, सुना है सरकार बनाते हैं फिर गिराते हैं। सर मैं किस लायक हूं? आपके राज में दाल रोटी चल जाए बस। You're being modest, Mr. Shah. सर मैं आपके देश के किसी काम आ सकूं तो सौभाग्य समझूंगा अपना। हमें देश को आपसे यही उम्मीद है। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सेवा कबूल करिए और क्या? मैं कुछ समझा नहीं। ले आओ। सर आपकी सेवा में। ये क्या है? एक छोटी सी भेंट। पर इसमें है क्या? खोलो। जी सर। इसे आप छोटी सी भेंट कहते हैं। इसकी क्या जरूरत थी मिस्टर शाह? ऐसा ही रिवाज है और कोई आज का नहीं है। आप नए आए हैं ना, इसलिए। नया हूं इसलिए पुराने रिवाजों को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझा नहीं। सहाय,
देश के लिए योगदान मिस्टर शाह की तरफ से। नोटों को ठीक से गिन के जांच करके राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा करें। जी ये क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं मंजूर तो मैं वापस लिए जाता हूं। ले जाइए इसे। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर शाह? इसे यहां लाने में आपने इतनी तकलीफ उठाई, अब इसे वापस ले जाने की तकलीफ मैं आपको दूं? नहीं सहाय, कल के अखबार में खबर होनी चाहिए कि उद्योगपति श्री शाह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए कितना है? 2 है सर। 2 करोड़ का योगदान, इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे। इट्स अ प्लेजर मीटिंग। लेकिन सर शाह, ये देश आपका आभारी है। इट्स रियली अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट। Hello. May I speak with the Prime Minister of India, please? Speaking? Who is this? This is Mansi Prakash, sir. कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप चाहें तो हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। अजय, हम किस लायक हैं? हुकुम कीजिए। सरकार, क्या आज रात आपके साथ डिनर का सौभाग्य प्राप्त होगा? सरकार तो आप हैं, और सरकार का हुकुम टालने वाले हमको। पीएम जी, हम भी आपकी प्रजा हैं, हमें भूल ना जाना। मरना है क्या हमें? मरे आपके दुश्मन, वैसे भी उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, बस आप सही सलामत रहें। बस अभी है, जल्दी आओ। ओके। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या भाई, कैसे आना हुआ? जरूरी काम था इसलिए आपको कष्ट दिया। आइए। अरे आओ भाई, चलिए। कहिए। नहीं, कोई खास काम नहीं था, वैसे काम थोड़ा सा खास ही था। वो हमारे मित्र हैं सिसोदिया बंधु, नाम सुने होंगे आप, लंदन वाले। हाँ, आम सप्लायर हैं, किसी डील में उनका नाम था। हाँ वही वही। अरे भाई, गोला बारूद को लेके एक प्रपोजल आया होगा आपके ऑफिस में, क्लियर करवा दीजिएगा। क्यों? हम कह रहे हैं भाई, नहीं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज हम उनका हित करेंगे, कल वो हमारा हित करेंगे। और एक और मंत्र बता देते हैं आपको राजनीति का, जो दिन बीत गया वो भूल जाइए, और जो आने वाला दिन है ना उसमें ध्यान लगा। ठीक है, देखते हैं, जो भी सही होगा सोनकर जी वही किया जाएगा। अरे भाई, हम आपको गलत राय थोड़ा नहीं देंगे। सोनकर जी, यदि हमारे सीनियर्स को सही और गलत का अंदाजा होता तो शायद देश की ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन यकीन मानिए, जो भी देश के हित में होगा वही किया जाएगा। भाई, आपसे हमको यही आशा है। और सच बताएं बबुआ, इसलिए तो हम आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं। अच्छा, तो चले। आइए आइए भाई, आइए। मेरे साथ बॉडीगार्ड्स देख के सबकी आंखें फटी रह गई। इट वाज ग्रेट, यू नो। सेम हियर। मेरा एक लेक्चरर मुझसे हमेशा चिढ़ता था, आज अचानक ही मुझे बेटा बेटा कहने लगा। क्या नक्शा था। थैंक यू पापा। बाय द वे पापा, हाउ वाज योर डे? आई मीन, कैसा लगता है प्रधानमंत्री बनना? गरम है। पापा, वैसे ऑफिस तो काफी बड़ा होगा ना, हमें कब दिखाएंगे? पापा, हम रेस कोर्स रोड कब शिफ्ट करेंगे? क्यों तंग कर रहे हो पापा को? कितने सवाल पूछोगे? खाने दो उन्हें। इट्स ऑल राइट, चलो खाना खाओ।
कल सुबह तक मुझे उसका पूरा डोसियर चाहिए। यस सर। उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का, पूरे खानदान का। यस सर। अगला पिछला सब ढूंढ निकालो, फैमिली फ्रेंड्स बैकग्राउंड, एक एक डिटेल चाहिए मुझे उसके बारे में। बहुत स्मार्ट बनता है, सचमुच का पीएम समझता है अपने आप को। यस सर। पॉलिटिक्स में है, कहीं ना कहीं दाग तो होगा। लगा दिया ना दाग। कोई बात नहीं, तुम लोग उठो, तुम चलो चेंज कर लो, थोड़ा सा आराम करो। आराम कहाँ, अभी तो ऑफिस जाना है। इस वक्त एक एक मिनट कीमती है मानसी, प्लीज जल्दी आना। हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं सर। दुश्मन की फौजें एक तरफ से श्रीनगर का रोड काट चुकी हैं और दूसरी तरफ से पंजाब की तरफ बढ़ रही हैं। सिर्फ राजस्थान में उन्हें हमारी फौजों ने रोक रखा है। What is Air Force doing? सर, बीच में अपने ही लोग घिरे हुए हैं, हम वहाँ बॉम्बिंग नहीं कर सकते। दुश्मन श्रीनगर से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है, अगर हमने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया तो आई एम अफ्रेड सर, कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। कितना वक्त है हमारे पास? मुश्किल से 2 दिन सर। और सर, अब तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि एमिनेशन कौन सप्लाई करेगा। माथुर। यस सर। कॉल मिस्टर कपूर। यस सर। मिस्टर कपूर आए सर, हमें आपने बुलाया, बैठिए। थैंक्स सर। मिस्टर कपूर, आपने कोटेशन क्यों नहीं भेजा? सर, हमें तो लोगों ने पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और सर जब शाह और सिसोदिया जैसे लोग मैदान में हों तो हमें वहाँ कौन खड़ा रहने देगा? उनकी फिक्र छोड़िए, आप मुझे कितना कमीशन देंगे? सर क्यों, ऐसे ऑफर्स पहले नहीं दिए आपने? सर दिया था, वो ज़्यादा मांग रहे थे, मैं तो 7% दे रहा था, वो लोग 10% मांग रहे थे सर। तो ठीक है, टोटल अमाउंट में से 7% डिडक्ट करके बिलिंग कीजिए। जी, और कोई कमीशन नहीं देना होगा? नहीं सर, बगैर कमीशन के तो ये मेरे लिए पहली डील होगी। लेकिन एक शर्त है मिस्टर कपूर। सर क्या शर्त है? मुझे डिलीवरी 24 घंटे के अंदर चाहिए। सर कोशिश करूंगा। कोशिश काफी नहीं है मिस्टर कपूर, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज योर्स मिस्टर कपूर। थैंक यू सर, थैंक यू। जाइए, फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके सर। एंड मिस्टर कपूर। यस सर। डोंट लेट द नेशन डाउन, ये आपके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं होनी चाहिए। जी सर। थैंक यू सर।